स्वागत है आपका बदीसा एमटी न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंह, अब देखते दिनभर की खास खबर। वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय रामेश्वर दयाल बंसल की द्वितीय पुण्यतिथि के मौके पर पधारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल, उनकी समाज सेवा पर डाला प्रकाश। मजदूर स्थापना दिवस के अवसर पर पंडित रविशंकर शुक्ल चौराहे पर पहुंचे भाजपा के नेता व कार्यकर्ता, मजदूरों के हितार्थ कही बात। और महान क्रांतिकारी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई धूमधाम से, उनकी प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण। अखिल भारतीय स्वर्णकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सोनी के निधन होने पर स्वर्णकार महासभा द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। इस अवसर पर स्वर्णकार समाज के वरिष्ठ राजकुमार सर्राफ, अरुण सोनी, मनोज कौशल, घनश्याम सोनी, सीताराम कौशल, गिरधारी लाल सोनी सहित सोनी समाज बंधु उपस्थित थे। आज यदि हमारी श्रद्धांजलि होगी तो सबसे सच्ची और सबसे अच्छी श्रद्धांजलि हम उनके लिए यही दे सकते हैं कि जिन कार्यों को उन्होंने छोड़ा है, जिस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने इस समिति का गठन किया था और जो उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि हमारे स्वर्णकार समाज के जितने भी वर्ग हैं वह सभी वर्ग एकजुट हों, एक हों और हम अपने समाज में, हम अब राजनीति में एक 250 संबंध इस बीच में उस वर्चुअल मीटिंग के कारण हो पाए। एक लंबा विजन, एक विजन वो कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति यदि पढ़ नहीं पा रहा है तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था करनी, उस हमारे समाज का व्यक्ति कोई कानूनी रूप से परेशान हो रहा है या राजनीतिक रूप से परेशान हो रहा है या शासन से उसको दिक्कत आ रही है तो उसके लिए एक अलग विभाग बनाया था। ऐसे लोग जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं, उनसे नंबर लेके उनको कहा था कि आप समाज का कोई व्यक्ति आए तो आप इनके कार्यों को निपटाएं और उनको सहायता करें। ऐसा विजन, ऐसा व्यक्ति हमारे बीच से खो गया है। निश्चित ही हम लोगों को, हमें तो ऐसा लगता है कि हमने एक हीरा खोया है और हीरा नहीं खोया, हमने कोई नूर हीरा खोया है। दूर दूर तक हमें उस व्यक्ति का कोई सानी, उस व्यक्ति का कोई संकट नहीं दिखता है। मैं हृदय तल से और साथ मैं समझता हूँ दुख भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसी आत्मा है वो कि उनका खोने का दुख तो है मगर दुख का विषय नहीं है, क्योंकि ये जिस तरीके से जो कार्य थे वो ईश्वरीय रूपी कार्य थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज के लिए, पर समाज के लिए, उन्हें सबके लिए किया। मैंने तो आज बड़ा दुख का विषय है और दुख का आज भी जिस दिन हमने जो है उत्तराखंड गए हुए थे, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर तो हमने उस दिन देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने पूछा भी लोगों से, कन्फर्म किया, विश्वास ही नहीं हो रहा था। राजेश वर्मा जी आज हमारे बीच नहीं है, ऐसा मन और दिल दोनों तैयार नहीं है मानने के लिए कि नहीं है, दोनों ये हमारे बीच में नहीं है। जिस दिन वो दिवंगत हुए उसके एक दिन पहले भी खबर आ गई थी कि राजेश वर्मा जी नहीं रहे, लेकिन दोपहर बाद आई कि नहीं, राजेश वर्मा जी ठीक है। तो हम लोगों ने कामना ये की कि राजेश वर्मा जी बहुत जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में आएंगे। वो मेरा संबंध तो उनसे लगभग कम से कम शायद 30 से 35 साल। जितने आपने अपनी बात की सम्मानीय उपस्थित मानवा, सम्मानीय भाई जी, जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज हमारे बीच स्वर्णकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय राजेश वर्मा जी हम लोगों के बीच में नहीं है और के साथ हम लोग आज उपस्थित दुख। लेकिन एक जो विधाता की जो नियम है जो इनको कोई बदल नहीं सकता, तो आज हमारे बीच में वो है, लेकिन उन्होंने जो समाज के लिए जो किया है और वो जो करते रहे हैं, उन्होंने हमेशा हर बात को इस वजह से सभी को प्रभावित किया है और सभी के अनुभव आप जैसे सुन रहे हैं, सभी लोग मेरे भी उनके साथ अनुभव रहे हैं, मैं तो बड़ा उनसे प्रभावित था। और सबसे बड़ी बात वास्तव में
माननीय राजेश जी का जो समाचार प्राप्त हुआ तो मुझे ऐसा लगा नहीं, फिर मैंने दोबारा फ़ोन करके पूछा कि मैं सर क्या है, तो अब जो सर हमारा कैसे स्थिति है वो चल रहा है। बस तो मैं इंटरव्यू किया था बैठे थे और आज ऐसी सभा आयोजित की जा रही है कि दुख बहुत गहरा है, काम उनके बहुत अनंत किए हुए और उनके काम की कोई सीमा नहीं है और मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में उनके बराबर में किसी ने कोई काम किया हो। समाज हित के लिए वो सर्वोपरि थे और थे नहीं, आज भी है और आगे भी रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि। वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय रामेश्वर दयाल बंसल की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल पधारे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उनके पद चिन्हों पर चलने की बात भी कही गई। आयोजित कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ सामाजिक राजनीतिक और प्रबुद्ध जन शामिल हुए। वहीं एक स्मृति ग्रंथ सेवा के सुमेरु ग्रंथ का विमोचन भी हुआ। स्वर्गीय रामेश्वर दयाल बंसल चैरिटेबल ट्रस्ट की सदस्य ने दी जानकारी। इनका ममत, इनका भाईचारा हमारे सिर पे मस्तक पे हमेशा बना रहे और हमको प्रेरणा दे कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाएँ ताकि लोग हमें इसलिए याद करें कि सिर्फ हमने अपना काम नहीं करा, समाज के लिए भी कुछ करके। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम और माल्यार्पण का कार्यक्रम अपनी ही ठीक है। जो धन के देवता हैं, दिक्पाल हैं, धनपति हैं और ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, हम इस भावना से महामहिम को भेंट कर रहे हैं कि देश और प्रदेश के दिक्पाल के रूप में हमारे प्रदेश का धन धान्य से भरा रहे, हर क्षेत्र में हमारा प्रदेश उन्नति करे, हर क्षेत्र में हमारा प्रदेश विशाल रहे। ऐसा कुछ समय पश्चात रेल स्टेशन पर जन सेवा आपके ही शुभ संकल्प का सुफल थी। आपकी आज की जन सेवा के माध्यम से बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए कर रहे हैं। संस्कार और पीढ़ी के निर्माण के विचारन बाबूजी की दूरदृष्टि का परिचायक था। यहाँ समाज के कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को नाम मात्र के अनूठा काम हो रहा है। बाबूजी सच्चे कर्मयोगी थे, निरंतर कर्म उनकी पहचान थी। विदिशा के व्यापारियों की सशक्त आवाज, विदिशा व्यापार महासंघ के आप संस्थापक अध्यक्ष थे। कठोरदास जी के परम शिष्य हैं, साथ ही बाबूजी के सच्चे सहयोगी हैं। बोलन को सभा का साझा करें डॉक्टर बी के जी या डॉक्टर उदयन कुमार साहब, कलेक्टर को बुलाया और उनको उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, मैं जरूर जाऊंगा। और उन्होंने के पास मिनट टू मिनट प्रोग्राम था, मुझे मालूम था। पालन करा, अंकित किया, स्वागत किया। पहले आप नेत्र विशेषज्ञ थे, डॉक्टर लोग समझे, पहले आप नेत्र विशेषज्ञ थे, उसके बाद गुरुदेव की आज्ञा से आप प्रस्तुत कर रहे हैं। ईश्वर हमको भी इनके आस पास नहीं पहुँचा सकता, उन्होंने बोल चुका है। सभी बोलेंगे भारत माता की, पीछे वाला बोले क्या वंदे मातरम, वंदे मातरम, गुरुदेव रक्षोड़ दास की। डॉक्टर विष्णु भाई जीवन पुत्रा जी, भाई और बहनों, मीडिया के मित्रों,
सेवा संकल्प के धनी समाज सेवी श्री स्वर्गस्थ रामेश्वर दयाल बंसल जी का, जिनका सारा जीवन निस्वार्थ सेवा साधना का रहा है, या उनके प्रिय प्रोफेसर ने बहुत अच्छी कविता में शॉर्ट में बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। उनका जीवन कैसा रहा, उनकी सुभाष आज भी समाज में है। आज का दिन उनको याद करने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कृतार्थ हैं इस शहर के, समाज सेवा के जो कर्मयोगी हैं उनके, प्रशासन के और गुरुदेव महाराज लक्ष्मण दास जी के आशीर्वाद के, जिनकी वजह से ये आज भव्य कार्यक्रम श्री रामेश्वर दयाल जी बंसल की पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ, उन्हें याद किया गया। हम आभार मानते हैं जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, पत्रकार समूह का, शहर के सभी प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधियों का। ये आज का जो कार्यक्रम है, द्वितीय पुण्यतिथि, परम श्रद्धे सम्मानी रामेश्वर दयाल जी बंसल साहब, जो कि सेवा के क्षेत्र में पितृ पुरुष के रूप में ज़िले में अपनी पहचान बनाई है, चाहे वो दलिया खिचड़ी के रूप में गरीबों को भोजन वितरित करने के रूप में, या रेलवे स्टेशन पर पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के रूप में, आपने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। और आज का ये गरिमामय प्रोग्राम जो कि डॉक्टर सुरेश गर्ग और बंसल परिवार ने आयोजित किया, जिसका कि रूपरेखा हमारे देवेश आर्य जी ने और उनकी टीम ने रखी, ऐतिहासिक कार्यक्रम आज आयोजित हुआ, उसमें महामहिम हमारे राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन पदा। आज के ही दिन 68 वर्ष पूर्व मजदूर संघ की स्थापना हुई थी। मजदूरों के हितार्थ संघ का गठन किया गया था। मजदूर संघ दिवस के अवसर पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने पंडित रविशंकर शुक्ल चौराहे पर सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं भाजपा की नगर सरकार बनने पर सभी का आभार भी व्यक्त किया। वहीं बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ तत्काल सभी को मिलेगा। योगदान है तो हमारे मजदूर साथियों का है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही धन्यवाद देता हूं। विदिशा शहर में जो अभूतपूर्व जन समर्थन आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया है, हमारे सभी 39 वार्डों में आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 27 में विजय सिर्फ प्राप्त हुई है, आगे भी आपका आशीर्वाद और सहयोग ऐसा बना रहे। आपके हितों के लिए आप मजबूत हों, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, आपके घर पक्के बने, आपके बच्चे शिक्षित हों, आपके बेटे बेटियों का विवाह संपन्न हो पाए, आपके बच्चे पढ़ लिख पाएँ, आप भी एक शानदार जीवन आपके परिवार का हो, ये लगातार प्रयास माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार पिछले 19 सालों से करती आई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आज भारतीय मजदूर संघ की स्थापना दिवस है। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हमारे पूरे देश में जो मजदूर काम करते हैं उनके हितों के लिए, उनके परिवार का जीवन स्तर सुधरे, उनको पसीना सूखने के पहले मजदूरी मिल जाए, उनके बच्चे शिक्षित हो जाएं, उनके परिवार का जीवन स्तर सुधर जाए, वो रोज़गार से लग जाएं, उनके बेटी बेटियों का विवाह हो जाए। और एक समय जब ऐसे उद्योगपतियों का शिकंजा था जो मजदूरों का शोषण करते थे, मजदूरों का जो है दुरुपयोग करते थे, इन सब से मुक्ति मिले। हमारे इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर हों, हमारे दैनिक मजदूरी फुटकर मजदूरी करने वाले हमारे मजदूर साथी हों, सबके हितों को सुरक्षित रखते हुए सबको अपना हक मिले, सबको इस देश में सम्मान मिले, इन सबको देखते हुए स्थापना दिवस मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। और आज हम बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि निरंतर पूरे देश में मजदूर संघ मजदूरों के हितों के लिए काम कर रहा है। देखिए, पिछले 2 साल से नगर पालिका में प्रशासक थे। प्रशासक और जनसेवक में यही फर्क रहता है। प्रशासक अपनी परिस्थितियों के अनुसार काम करता है और जनसेवक
हमारे जो है जन समस्याओं को और व्यक्तिगत परिवारों की जो कठिनाई है उसको स्वयं महसूस करके उसको हल करने का प्रयास करता है। अब नगर पालिका परिषद का गठन होने जा रहा है, जो भी हमारे मजदूर साथियों की समस्या हैं उसको तत्काल प्राथमिकता के आधार पर उनको दूर किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अभिनव योजना है प्रधानमंत्री आवास, जो मकान बन रहे हैं उनको जो अगर किस्तें रुकी हैं तो उनको शीघ्र दी जाएगी, बाकी जो वंचित रह गए उनको भी उस योजना में जोड़कर हमारे शहर में झुग्गी मुक्त शहर हमारा ये बने, कच्चे मकानों से मुक्त हमारा ये शहर बने, ये प्राथमिकता नगर पालिका परिषद की हो। चौधरी आज मजदूर दिवस स्थापना दिवस है जी, आज मजदूर दिवस पे सभी मजदूर भाइयों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और चाहूँगा कि इनको जो सुविधाएं शासन द्वारा दी जा रही हैं वो प्रॉपरली इनको मिलती जाएं, और यही हमारा प्रयास है, यही हमारी यूनियन का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका की सरकार बन गई है, पूर्व नगरपालिका के मुकुट टंडन आप लोगों के बीच पहुंचे थे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? टंडन जी अभी हाल आए थे, अब भी हाल दो मिनट पहले गए हैं, और टंडन जी सब मजदूरों के विषय में बहुत अच्छी विचारधारा रखते हैं और हमारे लिए तत्परता का आश्वासन दे के गए हैं। प्रमुख समस्या अभी अपना कुटी को लेके है, और उनकी जो आधी किस्त आई आधी नहीं आई है वो प्रथम समस्या है उनकी। यहाँ पर कम से कम 2500 मजदूर डेली आता है, जिसमें यहाँ पे सिर्फ चार चौराहे हैं, रामलीला चौराया, पीतल मिल चौराया, अहमदपुर चौराया और रेल चौराया, लेकिन यहाँ के मजदूर की एक दुर्दशा है सर, भ्रष्टाचार के कारण प्रधानमंत्री आवास कुटी योजना में नाकेदारों द्वारा 5-5, 10-10 हज़ार रुपये 1-1 लाख रुपए की किस्त पर लिए गए हैं। क्या मेरे मोदी जी इस भ्रष्टाचार को मिटाएंगे? भ्रष्टाचार की कोई वैक्सीन बनाएंगे जिससे इस गरीब मजदूर को न्याय मिल सके? यहाँ पर हाँ वर्तमानों की ये समस्या है कि यहाँ पर मजदूर बेरोजगार है, मार्केट में महंगाई को कोई लगाम नहीं है, कोई मजदूरी नहीं लग रही हम लोगों की, और का पेट भरा नहीं पा रहा, यही समस्या है, और का रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई बहुत है। महान क्रांतिकारी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ एवं उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला गया। इस अवसर पर भाजपा वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, राकेश सिंह, समाजसेवी अतुल झा, गोविंद देवली सहित पार्टी जन उपस्थित थे। चंद्रशेखर जी आजाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज दो महापुरुष तिलक जी और आजाद जी की जन्म जयंती है। वास्तव में चंद्रशेखर जी आजाद ने उस समय जब अंग्रेज़ों का साम्राज्य हमारे देश पे था, हमारा देश गुलाम था, उस समय आज़ादी की क्रांति लाकर उन्होंने जिस प्रकार से देशवासियों के नौजवानों को जगाने का काम किया था, लाला लाजपत राय, भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु अपने साथियों के साथ उन्होंने अंग्रेज़ों का नाक में दम कर दिया था और भारत देश छोड़ने पर मजबूर अगर अंग्रेज़ हुए थे तो वो इन क्रांतिकारी वीरों के कारण ही हुए थे। आज उनका जन्म जयंती है, सब ने उनको बड़े श्रद्धा के साथ याद किया है। वास्तव में उनका जो जीवन है, उनकी जो शहादत है, हमारे देशवासी हमेशा हमारे देश में लोग उनको याद करते रहेंगे, नौजवानों के लिए हमेशा प्रेरणा का काम करते रहेंगे। बहुत श्रद्धा के साथ आज हमने उनको याद किया है। एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की चंद्रशेखर जी की जयंती को मना रहे हैं, निश्चित रूप से उनके योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। जब तक सूरज चांद रहेगा चंद्रशेखर जी का नाम रहेगा। आज इस नए जिला चिकित्सालय मार्ग पर हमारे विदिशा के एकमात्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदरणीय रघुवीर चरण शर्मा जी की को सम्मान निधि से प्राप्त राशि में से इस प्रतिमा का स्थापना किया गया। आज ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों ने एवं नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा के नेता अरविंद श्रीवास्तव, मुकेश टंडन जी व अरविंद श्रीवास्तव जी के साथ यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ ये
जयंती मनाई गई। हम सब उनका स्मरण करते हैं और उनके बताए सदमार्गों पर चल सकें, मैं समझता हूँ यही सच्चा उनका पुण्य स्मरण होगा। रामद्वारा क्षेत्र रेलवे ओवरब्रिज के नीचे दो लड़कियों द्वारा रेल की पटरी पर 3 दिन पूर्व सेल्फी लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। उक्त सेल्फी का वीडियो रेल विभाग और जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया और सुरक्षा व्यवस्था की बात कही। इस संबंध में रेलवे के सलाहकार कमलेश सेन ने दी जानकारी। सदस्य रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति पश्चिम मध्य रेल भोपाल। दिशा शहर में एक अभी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लड़कियां रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेते हुए दिख रही हैं और उससे कई दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, इस लेकर आपने क्या कदम उठाया और क्या कहना है आपका? देखिए, आप भी जानते हैं इसके पहले भी विदिशा के साथ साथ अन्य जगह रेलवे ट्रैक पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी, बच्चे जान भी गंवा चुके हैं। तो अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों में थोड़ी जागरूकता लाएँ और ऐसे स्थानों पर नदियाँ किनारे या रेलवे ट्रैक किनारे सेल्फी लेते हैं वो हमेशा जान जोखिम में डालने जैसा ही होता है, तो उनको रोकें। और जैसे ही मेरे संज्ञान में विदिशा के वरिष्ठ पत्रकार कमल लायकवार जी द्वारा ये वीडियो मुझे भेजा गया था, मेरे जानकारी में आया, तुरंत मैंने DRM साहब को भेजा भोपाल, GRP RPF को भी हमने जानकारी दी कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने सघन चेकिंग भी की और जुर्माना लगाने की बात भी कही, आगे भी उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास करने की बात कही है। स्थानीय अथॉरिटी जो है जिला कलेक्टर या जो जिला प्रशासन, इसको लेके भी कुछ बात हुई है? कल शाम को मैंने कलेक्टर साहब को इस मामले की जानकारी दी थी, लेकिन इसमें दूसरा विषय भी था कि रेलवे स्टेशन के बाहर जो मंदिर के सामने वाहन पार्किंग का एक मामला है जिससे यात्रियों को आने जाने में काफ़ी असुविधा होती है, वो जानकारी DRM साहब से बात करने के बाद मैंने कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाई है और उन्होंने एक सप्ताह में इसका उचित निराकरण करने की बात कही है। SGM कार्यालय में कृषि उपज मंडी के अनाज व्यापारियों और हम्मालों के बीच विवाद के चलते आपस में बात कराई गई। बैठक में तुलाई पर गहन चर्चा की गई, लेकिन बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हम्माल तोलावट प्रतिनिधि कृषि उपज मंडी समिति विदिशा। मेरा कहना यह है कि राधे श्याम जी व्यापार संघ के अध्यक्ष, अनाज तिलन व्यापार संघ के अध्यक्ष का एक पत्र में कहना है कि 50-60 किलो की भर्ती में तौलकार नहीं करना है। दूसरे तरफ मौखिक रूप से कहना है कि नहीं 50-60 किलो में काम करना है और 50-60 किलो की निर्धारित मजदूरी अलग से तय करना है, उसमें रेट फिक्स करना है। जबकि हमारी 4 पीढ़ी इस मंडी में ख़त्म हो गई हैं, हमारी नंग वृद्धि चली है आज तक, चाहे मूंगफली की खरीदी क्यों ना आई हो, मूंगफली हमने 30 किलो भर्ती से तौली लेकिन हमें कुंटल के ही पैसा मिले हैं। हाँ, निर्णय ये निकला है जब 15 तारीख को हमारी 15/7/2022 को रेट वृद्धि होना थी, उन्होंने हमारी रेट वृद्धि इसी पैंच में उलझा दी है 50-60 किलो के उसमें। तो हमारा कहना ये है कि पहले हमारी रेट वृद्धि करो और मंडी खोलो, मजदूरों की तरफ से मंडी बंद नहीं है, हम्माल तोलावटों की ओर से, व्यापारियों की ओर से मंडी बंद है। हर बार हम्माल यूनियन अध्यक्ष एवं विधायक प्रतिनिधि एवं जिला कांग्रेस का महामंत्री होने के नाते 2020 में SDM महोदय की अध्यक्षता में व्यापारी संघ, किसान वर्ग, हम्माल संघ, तुलावट वर्ग की अध्यक्षता में 15% की दर वृद्धि हुई थी। हमारा एग्रीमेंट 15 तारीख को समाप्त हुआ था, तो 16 तारीख से हमारा एग्रीमेंट 15% से स्वतः से दर वृद्धि लागू हो जाने थी, तो व्यापारी ने लागू तो करी नहीं और मंडी बंद कर दी और अब आप उसमें अड़ियलबाजी कर रहे हैं कि जो
50 और 60 किलो की भर्ती 90 से तोल रहे नक के से। कम से कम शुक्रवार से आज 8 दिन हो गए। कम से कम 700 और 800 अगर पूरे मिलों को मिला लो तो लगभग 1800। अभी घरों काम चला रहे हैं हम व्यापारी का, हमारी तरफ से कोई मंडी बंद नहीं है, हम अपने व्यापारियों के घरों काम पे कार्य कर रहे हैं हमारे मजदूर। शर्त क्या है आपकी? शर्त ये है कि विदिशा गंज बासोदा के रेट 15.95 रुपये 2020 में मिले थे, और हम चाह रहे हैं कि जो गंज बासोदा में जो कार्य कर रहा है, वहाँ भी हिम्माल है, वहाँ भी तुलावट है, वहाँ भी मंडी प्रशासन है, वहाँ भी व्यापारी है, वहाँ को पैसा प्रतिवर्ष 10% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो हमने श्रीमान जी ने 2 साल में 15% की, हम उस पर भी राजी हो गए। लेकिन अब व्यापारी ये निर्णय निकला है कि भाई आप इनके 15% से दर वृद्धि से स्वतः से लागू करें, और फिर आपकी जो भी डिमांड है 50 की 60 किलो की उनको 1 महीने का मौका दें, ताकि वो उनकी यूनियन से संघ से बात करें। महान क्रांतिकारी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती के अवसर पर तिलक चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। इस अवसर पर शहर के वरिष्ठ और गणमान्य उपस्थित थे एवं उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। बाल गंगाधर जी तिलक अमर रहे, अमर रहे। बाल गंगाधर जी तिलक अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बाल गंगाधर जी तिलक अमर रहे, अमर रहे। बाल गंगाधर जी तिलक अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर जी आजाद अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर जी आजाद अमर रहे, अमर रहे। भावन दिन है आज के दिन, 2 महापुरुषों ने जन्म लिया, पंडित चंद्रशेखर जी आजाद और बाल गंगाधर जी तिलक, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपने प्राणों का बलिदान दिया। वास्तव में आज अगर हम स्वतंत्र भारत में सांसें ले पा रहे हैं तो इन महापुरुषों के कारण, इन महान क्रांतिकारियों के कारण। आज पूरे देश में इनको बड़े श्रद्धा के साथ याद किया जा रहा है, इनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है। वास्तव में इन महापुरुषों से आने वाले कई पीढ़ियों तक नौजवानों को प्रेरणा मिलती रहेगी, और भारत देश को स्वतंत्र कराने में आपका जो योगदान किया है, भारतवासी कभी नहीं भूलेंगे। एक बार पुनः उनको सत्सत नमन करते हुए हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज की खबरों को देते ही पर ब्राह्म, आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अपडेट न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।